दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की डूबती नैया को देखकर आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये जो बड़े बड़े देश अपने आप को ताकतवर दिखाते हैं, असल में अंदर से पूरी तरह से खोखले हैं। पाकिस्तान has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. और यहाँ बात केवल पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि दोस्तों इस तरह के कई सारे देश हैं जो बाहर से अपनी शान और शौकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन अंदर से कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे देश हैं जिनका नाम सुनकर ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन देशों की असली सच्चाई। नंबर 10, कनाडा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध देश कनाडा की। यहाँ जाने के लिए लोग जितने ही बेताब हैं, ये देश दोस्तों उतना ही कर्ज में डूबा हुआ है, जो खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तभी तो 99.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस देश की जनसंख्या 3,80,00,000 है। ये दुनिया का एक अहम देश माना जाता है और भारतीयों के बीच ये इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ हर तीसरा घर आपको भारतीय का मिलेगा। भारत से अधिकतर लोग यहाँ पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में आते हैं। और दोस्तों, दुनिया भर में मशहूर नायग्रा फॉल्स भी कनाडा में ही मौजूद है, जिसकी खूबसूरती देखकर किसी की भी आंखें चौंधी आ जाए। हालांकि कनाडा की जीडीपी 1.64 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कनाडा का कर्ज उसकी जीडीपी से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा कुल 2.61 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के कर्ज में डूबा हुआ है। नंबर 9, चाइना। दुनिया में तबाही मचाकर सत्ता जमाने वाला चाइना सपने तो बड़े बड़े दिखाता है, लेकिन लगता है कि अपने खाते देखना भूल जाता है। तभी तो जो देश पूरी दुनिया को कर्ज देता रहा, उसके ऊपर खुद अच्छा खासा कर्ज लदा हुआ है। जीडीपी के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना 2.09 ट्रिलियन डॉलर्स के कर्ज में डूबा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में आर्थिक तौर पर चाइना ने बहुत बड़ी तरक्की हासिल की है, लेकिन दोस्तों, इस तरक्की के साथ साथ चाइना के ऊपर लगने वाला कर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी बाहरी कर्ज कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी चाइना खुराफात करने के बजाय कभी दुनिया में वायरस फैला देता है तो कभी बॉर्डर पर जंग छेड़ देता है। नंबर 8, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान को कैसे भूल सकते हैं, यहाँ के हालात तो बस से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ की सरकार से लेकर यहाँ की अर्थव्यवस्था, हर एक चीज की हालत खस्ता होती चली जा रही है। और अभी कुछ ही दिनों पहले तो पाकिस्तान ने अपने देश में आने वाली भुखमरी तक का ऐलान कर दिया है, क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान को खेती में भारी नुकसान हुआ और खाने की चीजें दूसरे देशों से मंगवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग धरने पर बैठ गए हैं और गरीबी में आटा गीला करने वाला काम इस देश पर चढ़ा कर्ज करता है। तभी तो पाकिस्तान के ऊपर कुल कर्ज 50.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए पार कर गया है। डॉलर में ये कर्ज करीब 283 बिलियन डॉलर्स का है। पाकिस्तान की इस वक्त की कुल आबादी करीब 22.71 करोड़ है। इस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के हर एक नागरिक के ऊपर 1230 डॉलर से भी ज्यादा का कर्जा लदा हुआ है। लेकिन दोस्तों, फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में सबसे आगे है। नंबर 7, इटली। आइए बात करते हैं यूरोप के खूबसूरत देश इटली के बारे में। दोस्तों, यहाँ का फास्ट फूड, पिज्जा और पास्ता पूरी दुनिया में मशहूर है। इटली का कुल क्षेत्रफल लगभग 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें लगभग 6 करोड़ की जनसंख्या रहती है और इस देश की जीडीपी 1.89 लाख करोड़ यूएस डॉलर है। जबकि इटली के कर्ज पर नजर डाली जाए तो इसका बाहरी कर्ज 3,207.31 बिलियन डॉलर है। ऊपर से कोरोना वायरस ने जब से दस्तक दी है, तब से इटली की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। कहा जाए तो इस वक्त इटली के पास अपने फेमस पिज्जा के अलावा कुछ खास नहीं बचा है। पिछले साल इटली के अंदर गरीबी का लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ा है, जिसने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अगर दोस्तों इस तरह इटली के हालात रहे तो पूरी दुनिया में अपना पिज्जा बेचने वाले इटालियन खुद भूखे मरने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 6, नीदरलैंड्स। अब बात करते हैं एक और यूरोपियन देश नीदरलैंड के बारे में, जिसे अक्सर लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के लोग और उनकी भाषा दोनों के लिए दोस्तों डच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड का आधे से ज्यादा हिस्सा समुद्री तल के नीचे है और इस पूरे देश का क्षेत्रफल 41,543 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें मात्र 1,74,00,000 लोग रहते हैं। यानी कि जनसंख्या के मामले में ये देश काफी कम है और यहाँ बहुत ही सीमित लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी इस देश की जीडीपी 91,224.23 करोड़ यूएस डॉलर है। लेकिन अगर हम विदेशी कर्ज पर नजर डालें तो दोस्तों, नीदरलैंड के ऊपर काफी भारी कर्ज चढ़ा हुआ है, जिसकी कुल कीमत 436.91 बिलियन यूएस डॉलर है। यही वजह है कि ये खूबसूरत देश धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। नंबर 5, जर्मनी। दोस्तों, बात करते हैं दुनिया को हिटलर जैसे तानाशाह और मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ियों से रूबरू करवाने वाले जर्मनी की। वैसे आपको बता दें कि बीएमडब्ल्यू, ऑडी, फॉक्सवैगन
और एडिडास जैसे बेहतरीन ब्रांड्स जर्मनी की ही देन है, जिन्हें पूरी दुनिया स्टेटस सिंबल मानती है। वैसे तो 357,022 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले इस देश की आबादी लगभग 8,35,00,000 है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तभी तो इसकी GDP 3.81 करोड़ US डॉलर है। लेकिन दोस्तों, ये देश जितना मजबूत है उतना ही अंदर से खोखला भी है। तभी तो जर्मनी के ऊपर बाहरी कर्ज कुल 5.9 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जर्मनी ने अपनी GDP का 163.3% कर्ज लेकर रखा है। अफसोस की बात तो ये है कि कोरोना वायरस के चलते यहाँ जन्म लेने वाला अब हर पांचवा बच्चा गरीबी में पलने बढ़ने पर मजबूर हो गया है। हालांकि दोस्तों, इन सभी तकलीफों से बाहर निकलने के लिए जर्मनी पूरी कोशिश कर रहा है। नंबर 4, फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस की कैपिटल पेरिस को दुनिया के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक शहर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर मौजूद एफिल टावर लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। 5,43,940 स्क्वायर किलोमीटर में फैली फ्रांस की जनसंख्या 6.74 करोड़ है, जबकि फ्रांस की GDP 2.6 लाख करोड़ US डॉलर है। लेकिन अगर हम फ्रांस के ऊपर लगने वाले बाहरी कर्ज के बारे में बात करें तो दोस्तों, उसकी कुल कीमत 2,999.82 बिलियन US डॉलर है। ऐसे में अगर देखा जाए तो फ्रांस ने अपनी GDP का 261.7% कर्ज ले रखा है। नंबर 3, ब्रिटेन। भाई, ब्रिटेन के हाल तो आप जानते ही हैं, कैसे एक समय में इस देश ने पूरी दुनिया पर अपनी सत्ता जमाई। हम भारतीयों को इसने 200 सालों तक अपना गुलाम बना के रखा। इसके अलावा भी दुनिया के कई सारे देश हैं जिस पर ब्रिटेन अपनी हुकूमत जमा चुका है। लेकिन दोस्तों, आज ब्रिटेन उतना ताकतवर नहीं है, या फिर कह लीजिए कि उसका एक पैर अब कब्र में पहुंच गया है। तभी तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए इस देश ने कर्ज लिया था, जिसका सीधा असर अब इसके कर्ज को बढ़ाने में सामने आ रहा है। मात्र 2,42,495 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले इस देश की कुल जनसंख्या 6,80,00,000 है। वहीं इसकी GDP 2.71 लाख करोड़ US डॉलर है, और इसी के साथ दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर ये जाना जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ देश है, जहां ब्रिटेन पर 138.5 बिलियन यूरो का विदेशी कर्ज है, यानी कि ब्रिटेन ने अपनी GDP का 313% कर्ज ले रखा है। नंबर 2, अमेरिका। दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाने वाला अमेरिका इकोनॉमी के मामले में सबसे टॉप पर आता है, जो हर वक्त दूसरे देशों से आगे निकलने की फिराक में रहता है, और कर्ज के मामले में भी ये देश काफी आगे निकल गया है। तभी तो पिछले 2 दशक में अमेरिका के ऊपर कर्ज का भार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और भारत का भी उस पर 216 अरब डॉलर्स का कर्ज है। और अगर अमेरिका के कुल बाहरी कर्ज के बारे में बात करें तो अमेरिका के ऊपर 29,000 अरब डॉलर्स का कर्ज है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अमेरिका के ऊपर जापान का कर्ज सबसे ज्यादा है, यानी कि जिस देश पर परमाणु बम गिरा अमेरिका ने उसे तबाह करने की कोशिश करी थी, आज अमेरिका उसी देश के कर्ज तले दबा हुआ है। नंबर 1, जापान। हमें मालूम है कि जापान का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले देखकर आप काफी हैरान हुए होंगे, पर दोस्तों, वाकई में जापान दुनिया का सबसे कर्जदार देश है। टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने वाले जापान ने कर्ज के मामले में भी पूरी दुनिया को पछाड़ दिया है। वैसे तो ये छोटा सा आइलैंड वाला देश है, जिसका कुल एरिया 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत से कई ज्यादा छोटा देश होने के बावजूद भी जापान की GDP भारत से काफी ज्यादा है। उसके बावजूद भी लगभग 12 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश की GDP से ज्यादा तो उसके ऊपर कर्ज है, जहां जापान की कुल GDP से करीब 264% ज्यादा जापान के ऊपर कर्ज लदा हुआ है। और ये वाकई में अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात है। जापान अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन 2009 की आर्थिक मंदी और 2011 के भूकंप की तबाही के कारण जापान का अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिसके चलते जापान कर्ज में डूबता जा रहा है। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार देशों के बारे में तो आपको पता चल ही गया है, लेकिन भला हम भारत को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। वैसे तो भारत दुनिया के सबसे कर्जदार देशों में नहीं आता, लेकिन फिर भी आजादी के बाद से भारत का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। जहां साल 2021 में जारी की गई एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया कि भारत के ऊपर 43.32 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज चढ़ा हुआ है। ऊपर से देश की जनसंख्या 140 करोड़ को पार कर चुकी है। इस हिसाब से देखा जाए तो हर इंसान के ऊपर लगभग 30 करोड़ का कर्ज है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े बड़े देशों के कर्ज उन्हें अंदर से कैसे खोखला करते जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करना, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।